मेरा नाम गीता है। गीता जी, क्या पूरा मामला है, क्या पूरा प्रकरण है, पूरा बताइए। गीता नाम है मेरा, गीता भवन कुमार, गीता भवन कुमार। क्या हुआ, पूरा प्रकरण क्या है, क्या पूरा मामला, आप लोग यहाँ आए, क्या है पूरा मामला? ये महिला थाने में थे नोएडा में, तो ये इस औरत की, ये औरत जो है शैली राणा, ये इनकी इंस्पेक्टर थी। ये रोज उसके पास रहते थे दोनों की आपस में, मुझे नहीं पता क्या बात है, इन्होंने घर आना कम कर दिया। फिर एक दिन मुझसे कहते हैं कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं उसके साथ ही रहूंगा, उससे शादी करूंगा। मैंने इन्हें बहुत समझाया पर ये नहीं माने, ये घर में आके मेरे साथ मार पिटाई भी करते, मुझ पर गुस्सा करते थे, मुझे गालियां देते थे कि तू कुछ नहीं कर सकती, मैं उसके साथ ही रहूंगा, ना ये बच्चा मेरा ना तू मेरी। आज क्या हुआ पूरा, आप अगर आए हैं, क्या है पूरा मामला? बात करो शांति से। इन्होंने बोला पानी पी ले आराम से। इन्होंने बोला मैं इलाहाबाद गया हूँ, मेरे को अपनी पोस्टिंग कैंसिल करानी है, इलाहाबाद गया हूँ। बेटे को मैसेज किया, उसे फोन नहीं किया। जब भी ये इसके पास आते हैं मुझे फोन नहीं करते, मेरे बेटे को फोन नहीं करते, अपना एक नंबर बंद रखते हैं। मेरे को डाउट हुआ, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि वो इलाहाबाद है, वो जरूर उस औरत के पास है। मैंने बड़ी मुश्किल से फिर भाई को बताया, भाई को घर बुलाया, मम्मी पापा से बात की, फिर मैंने इनका पता निकलवाया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई भाई और भैया के साथ। क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ? यहाँ पे ये दोनों अंदर थे, मुझे पता चला ये दोनों इस घर में रहते हैं। हस्बैंड वाइफ इसने शैली राणा ने, इन्होंने सबको ये बता रखा है मेरा हस्बैंड है। यहाँ पे मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हाँ ये इसके हस्बैंड है। मेरी शादी को 20 साल हो गए, मेरी क्या गलती थी, मेरी शादी को 20 साल हो गए, 20 साल में कौन छोड़ता है अपनी बीवी को? कभी मेरे पे इन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, कभी इन्होंने ऊँची आवाज़ में बात नहीं की, मुझसे कभी हाथ नहीं लगाया। लेकिन 1-1.5 महीने से और ये पिछले 1 साल से, ये जब से इसके साथ है शैली राणा के साथ, मेरे साथ हमेशा बदतमीजी करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं। मैं मेंटली इतना परेशान हो गई कि आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। इसने ये नाटक करती थी, कहती थी मैं ना आत्महत्या कर लूँगी अगर तुम अपनी बीवी के पास गए, मैं सुसाइड कर लूँगी। रात को 2-2 बजे फ़ोन करके, इनको रात को 2-2 बजे फ़ोन करके बुलाती थी कि तुम आ जाओ, मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी। और ये दौड़ के उसके पास चले जाते थे, ये ब्लैकमेल कर रही थी मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। जब ये घर आते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब इसके पास होते हैं तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मेरा फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं बच्चे से भी 2-3 दिन में, बस ठीक है, बस ये बोल के फ़ोन काट देते हैं। कोई मतलब नहीं है। इसने हमारी लाइफ खराब कर दी है, पहले भी कर चुकी है, ये पहले 4-5 लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है, सारे लोग मैरिड है, ये मैरिड लोगों को फंसाती है। मेरे को पता चला है ये मैरिड लोगों को फंसाती है बहुत बुरी तरह से। ये नहीं देखती किसी का घर बर्बाद हो रहा है, किसी का बच्चा है, किसी की बीवी है, वो उससे कितना प्यार करती है, नहीं सोचती है। ये फंसा लेती है, तुम सब बच के रहना, यहाँ पे सब बच के रहना, आगरा में सब बच के रहना, शैली राणा से बच के रहना बाबा, बहुत।